हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस चैनल आईटीआई नॉलेज में। आज हम दोबारा से एक और मोबाइल ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आईटीआई पॉलीटेक्निक बीई के सभी ब्रांच के लिए एवं आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी, टेक्निकल हेल्पर, रेलवे लोको पायलट या अदर टेक्निकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत स्किल ऐप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई थी, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दी है। तो आज हम डीजीटी के एक और ऐप निमी मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि इस ऐप में हम कैसे लॉगिन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर पर जाना है और आपको टाइप करना है निमी मॉक टेस्ट। आप निमी मॉक टेस्ट लिखकर इस पर सर्च करेंगे। मैंने निमी मॉक टेस्ट को पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसको ओपन करूंगा। आप पहले इसको इंस्टॉल करेंगे फिर ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ऐप ओपन होगा। यदि आपने पहले से ही अपना लॉगिन या पासवर्ड बना के रखा है तो आप डायरेक्ट इस पर लॉगिन करेंगे, या आप न्यू यूजर हैं तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने भारत स्किल ऐप के बारे में जब बताया था तो उसमें भी इसी तरीके से उसमें ऑप्शंस आ रहे थे। पहला है CTS स्टूडेंट या जो ITI स्टूडेंट्स हैं, दूसरा है CITS स्टूडेंट्स या जो CTI या ITOT में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी हैं, तो और तीसरा ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप के लिए और चौथा ऑप्शन है ट्रेनर के लिए। यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं तो भी आप किसी भी एक पर क्लिक करके इस पर रजिस्टर या लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ITI के स्टूडेंट हैं तो आप CTS पर क्लिक करेंगे। यदि आप ITI के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप यहां पर CTS या CITS अप्रेंटिसशिप या ट्रेनर पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर CTS पर क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे हमने भारत स्किल्स ऐप में अपनी लॉगिन और पासवर्ड जनरेट किया था, तो आपको यहां पर भी अपना लॉगिन और पासवर्ड जनरेट करना है। यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डालेंगे, अन्यथा 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक आप इसमें डिजिट फिल कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे और अपना साइन अप करेंगे। आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लॉगिन और पासवर्ड फिल करना है। जो आपकी ईमेल आईडी होगी वह आपकी लॉगिन होगी और आपका जो मोबाइल नंबर होगा वह आपका पासवर्ड होगा। यदि आप कभी अपना लॉगिन और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका लॉगिन रहेगा वो ईमेल आईडी रहेगी और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर रहेगा। यदि आप फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है यूज़र आईडी योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना न्यू टेस्ट दे सकते हैं या आप टेस्ट दे चुके हैं। इसके बाद आप इसे रिपीट टेस्ट दे सकते हैं, आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और यदि आप डेली इसके लिए शेड्यूल करना चाहते हैं कि मैं इतने बजे इसका एग्ज़ाम दूंगा, तो आप इस पर शेड्यूल एग्ज़ाम कर सकते हैं। शेड्यूल एग्ज़ाम की यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर 3 लाइन पर क्लिक करके आप यहां पर अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, अपना नेम, होम, प्रोफाइल सेटिंग्स, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। जैसे आप न्यू टेस्ट पर क्लिक करेंगे, यदि आप यहां पर टेस्ट देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको यहां पर अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ITI की सारी ट्रेड्स यहां पर आपको मिल जाएंगी। जैसे आप वेल्डर के स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर वेल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है, एनुअल या सेमेस्टर, तो मैं यहाँ पर एनुअल सेलेक्ट करूँगा। लैंग्वेज, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको देखना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप कितने क्वेश्चंस के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, 50 या 25, तो मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सबमिट करूँगा। सबमिट के बाद आप यहां पर स्टार्ट करें। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 1 से लेकर कंटिन्यू 50 क्वेश्चंस यहां पर खुलेंगे। आप पहला क्वेश्चन इसको रीड करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर यहां पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे और लास्ट में जब आपके 50 क्वेश्चंस पूरे हो जाएँ तो आप यहाँ पर
सबमिट कर देंगे। आप सबमिट करेंगे उसके बाद आप यहां पर जाकर व्यू आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का आप देख सकते हैं योर आंसर आपने नॉट अटेम्प्ट यानी कि आपने यहां पर अटेम्प्ट नहीं किया है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसी तरीके से आप सारे एक से लेकर 50 क्वेश्चन तक के आंसर यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने जो आंसर टिक किया है वो आपने सही टिक किया है या गलत टिक किया है। यहाँ पर हमने आंसर टिक नहीं किए हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट अटेंड। तो इसी तरीके से आप इस ऐप के ज़रिए अपना मॉक टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।